लाखों को भी आता है, करोड़ों को भी आता है। अच्छा, हाँ, इस बोरी में? हाँ, बोरी में। एक खान है, पूरा मलखंड डिवीजन चलाता है। किस्मत अच्छा हो, दिन अच्छा हो, लाखों रुपए दिन में मिलता है। किस्मत अच्छा नहीं होगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। स्वाद जमरूद की दूसरी किश्त के साथ मैं हाजिर हूँ मेंगवरा स्वाद बाईपास दरियाए स्वाद के किनारे पर। जैसा कि आप मेरे आकत में देख सकते हैं कि दरियाए स्वाद के किनारे पर लोग बैठे हुए हैं और जितना भी मलवा कानों से लाया है वो यहाँ पर धो रहे हैं, और यहीं पर व्यापारी भी मौजूद हैं जो इनसे ये छोटे छोटे जो कीमती दाने हैं जमरूद के वो खरीद रहे हैं। आए आज के व्लॉग में हम आपको बताएं कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है और इन लोगों ने अपना जरिया मुआश कैसे इन जरकुन के कीमती पत्थरों से जोड़ा हुआ है। स्टे विद अस, थैंक यू वेरी मच। आई एम पाकिस्तान के हाजिरीन, आप ये देखकर अंदाज़ा लगाएं ज़रा कि यहाँ पर कितने बड़े ज़हायर हो सकते हैं जमरूद के कीमती पत्थरों के, क्योंकि मिंगोरा की इन कानों से जो फालतू मलवा निकल रहा है वो भी बिक रहा है और मुकामी लोग उस मलवे से भी मजीद कीमती पत्थर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक एक बोरी लाता है, कभी कभी उसमें मिलता है, कभी मतलब ये तो नहीं मिलते, बेचारों लोगों का नुकसान होता है। इस मलबे से मजीद जमरूद के कीमती पत्थर निकालने का प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही इस प्रोसेस में कोई बहुत बड़ी साइंस है। बस इतना करना होता है कि मलबे में मौजूद बड़े पत्थरों को तोड़ना पड़ता है और फिर बारीकी से इन पत्थरों में से जमरूद के कीमती पत्थरों को ढूंढा जाता है। आप ये बोरियों में लेकर आते हैं ऊपर कान से? हाँ। एक बोरी कितने की मिलती है? एक बोरी को 2000 का ही मिलते है, 5000 का ही मिलते है। अच्छा। और 100 रुपए का मिलते है, 200 का भी, 50 का भी। जिनके डैडी इसमें लगता है तो वो कभी 2000 का, कभी 1000 का, कभी 500 का लग जाती है। हाँ। उसका तो लाखों को भी आता है, करोड़ों को भी आता है। अच्छा। हाँ। इस बोरी में? हाँ, बोरी में। और ये फिर आप मार्केट में जाकर सेल करते हैं? नहीं, इधर है व्यापारी, इधर आता है, इधर ही आता है। हाँ, इधर ही आता है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जफर अली खान। जफर अली खान, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मिंगवरा से। और कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन हम 30-35 साल से ये काम कर रहे हैं। 30-35 साल यही खरीदो फरोख्त कर रहे हैं या कानकुनी में भी कभी काम किए या सफाई वगैरह? हाँ, पहले किया था, अभी ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। माल माल की पहचान होती है ना, जो माल अच्छा होता है उसके रेट ज्यादा होते हैं, जो माल कमजोर है उससे इससे माल आते हैं, ये तकरीबन सैकड़ माल में आते हैं। अच्छे जमरूद की क्या पहचान होती है? अच्छी जमरूद की पहचान इस तरह होती है ना, जिस तरह ये है ना, ये इसको कहते हैं लाट माल। अच्छी जमरूद जो होते हैं वो बिल्कुल सब्ज होते हैं, इसके अंदर पानी आपको नजर आएगा, और ये जो है ना इसको कहते हैं लाट माल। साफ जमरूद की इस तरह ये पहचान। एक खान है, पूरा मलखंड डिवीजन चलाता है ये। इस खान की वजह से बहुत से लोगों का यहाँ पे रोजी रोटी चल रही है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं ये मिंगोर सिटी के नहीं है, कुछ लोग शांगले से आए, कुछ दीर चतराल से आए हैं, कुछ बुनेर से आए हैं, ये सारे इलाके इस पर इधर मुनसर काम करते हैं। इन लोगों ने इतना कमाया कि मैं क्या बोलूं, इसका मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे महंगा ये है? ये महंगा है बिल्कुल। हाँ, ये पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में मतलब है, इसका मतलब है कोई इसके मेयार को और कोई नहीं है बिल्कुल। मैं तकरीबन 46 साल से ये काम करता हूँ। ये जमरूद जो है इसमें अलग अलग क्वालिटी होते हैं। एक क्वालिटी ऐसे होता है कि कीमत तकरीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख तक एक कैरेट मिलता है। जी, हमारे ये बदनसीबी ये है कि ये इतना अच्छा माल है
और लेकिन यहाँ से इसका कोई कदर नहीं है। स्वात के कीमती एमराल्ड की वीडियो आपने देखी। अगर आपने पहली किश्त नहीं देखी वो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने कानपुनी का तरीका दिखाया हुआ है। और दूसरी किश्त में आपने देखा कि कैसे ये गरीब लोग, यहाँ के मुकामी लोग, दरियाए स्वात के किनारे पर आकर इस मलबे को छानते हैं और इस मलबे को छानते हुए कीमती पत्थर ढूंढते हैं, वो निकालते हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम पाकिस्तान विद फैसल मुमताज। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाजत दिया मान अल्लाह।